श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद छठा अध्याय आठवां नारायण कवच का उपदेश। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगणी सेना का खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उसे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया, तुम एकाग्रचित से उसका श्रवण करो। विश्व रूप ने कहा, देवराज इंद्र भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ ना बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंग न्यास तथा अंगुष्ठ आदि कर न्यास करें। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि आठ अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मंत्र में मकार से लेकर ओंकार पर्यंत आठ अक्षरों को सिर से आरंभ करके उन्हीं आठ अंगों में विपरीत क्रम में न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र के ओम आदि बारह अक्षरों का दाई तर्जनी से बाई तर्जनी तक दोनों हाथ की आठ उंगलियों और दोनों अंगूठों की दो दो गांठों में न्यास करें। फिर ओम विश्वणे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, श का बोहों के बीच में, ण का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम मम अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाले पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तरदूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अड़िम आदि आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। आठ हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टाहस से सब दिशाएं गूंज उठी हैं और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य यूथ पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखर पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हय ग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोक अपवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक गण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कली काल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर
कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्म आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त्र के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्स लांछन श्रीहरि, उषाकाल में खड़गदारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं के काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं, जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसीलिए आप कूष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को भी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एवं यातुधान, प्रमत, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है, आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं, आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूम केतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाड़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्त्रोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वसेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं, यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टाहस से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया, इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैर से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें वालखिल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित,
शतकृतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद छठा अध्याय आठवां समाप्त।